कभी कड़कती धूप में किसी इमारत के अंदर गए हो और अचानक से ठंडक महसूस हुई हो, जैसे किसी ने आपको एक ठंडी चादर में लपेट लिया हो। सोचो, वो एहसास और भी तेज हो, जैसे किसी ठंडी गुफा में घुस गए हो, सूरज की गर्मी से राहत देने वाला। ये एहसास आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यही एहसास मिलता है कर्नाटका लक्ष्मी वेंकटेश्वर टेम्पल में। यहाँ की ठंडक और शांति अद्भुत है, लेकिन ये ठंडक एसी की वजह से नहीं है। यहाँ कोई आधुनिक तकनीक नहीं है, ये है पुराने भारतीय वास्तुशिल्प का कमाल और उसके वैज्ञानिक सिद्धांतों का। ये सिद्धांत सदियों से चले आ रहे हैं। ये वीडियो बताएगा लक्ष्मी वेंकटेश्वर टेम्पल के वास्तुशिल्प के राज और कैसे ये सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। कैसे पुराने बिल्डर्स ने कुदरत के नियमों का इस्तेमाल करके शांति और ठंडक का मंदिर बनाया, जो आज भी उतना ही प्रभावी है, वो भी इतनी गर्मी में। ये एक अद्वितीय उदाहरण है। तैयार रहिए पुराने भारतीय विज्ञान के जादू और आज के जमाने में उसकी अहमियत को जानने के लिए। ये यात्रा आपको अतीत से वर्तमान तक ले जाएगी। कर्नाटका लक्ष्मी वेंकटेश्वर टेम्पल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये इतिहास का जीता जागता सबूत है, जिसकी नींव में सदियों पुराने राजवंशों की कहानियां गूंजती हैं। विजयनगर साम्राज्य के समय बना ये मंदिर, जो कला, संस्कृति और वास्तुकला के लिए मशहूर था, उस साम्राज्य की ग्रैंडर और वैज्ञानिक समझ का प्रतीक है। विजयनगर के राजा ज्ञान और कला, विज्ञान और अध्यात्म के मेल को बहुत मानते थे। यही सोच लक्ष्मी वेंकटेश्वर टेम्पल में दिखती है, जहां हर चीज ऊंचे गोपुराम से लेकर नक्काशीदार पिलर्स तक कला और विज्ञान के मेल को दर्शाती है। इंडिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहां बहुत गर्मी और उमस होती है, पुराने बिल्डर्स के लिए एक चुनौती थी। कैसे बनाएं ऐसी जगह जहां लोग आराम से रह सकें बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सहारे। लक्ष्मी वेंकटेश्वर टेम्पल इस चुनौती का एक दिलचस्प जवाब देता है, जो अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। इसका अंदरूनी हिस्सा गर्मियों में भी ठंडा रहता है, जैसे किसी एयर कंडीशन रूम में हो। ये कमाल किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि मंदिर के डिजाइन में किए गए वैज्ञानिक तरीकों से होता है, जो सदियों पुरानी तकनीकों पर आधारित है। मंदिर का वास्तुशिल्प एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जो पर्यावरण के अनुकूल है, जो तापमान और हवा के बहाव को कंट्रोल करके अंदर एक अलग ही मौसम बनाता है, जिससे लोग आराम से समय बिता सकें। ये विजयनगर के बिल्डर्स की वैज्ञानिक समझ को दर्शाता है, जो अपने समय से बहुत आगे थे, जिन्होंने कुदरत के नियमों को अपनी कला में ढाल दिया और एक ऐसा वातावरण बनाया जो आज भी लोगों को आकर्षित करता है। सेक्शन 4, पत्थरों में छुपे राज वास्तुकला के अजूबों से पर्दा उठाते हुए। लक्ष्मी वेंकटेश्वर टेम्पल की ठंडक का राज है सही मटेरियल्स का चुनाव और वास्तुशिल्प के सही इस्तेमाल। मंदिर की नींव ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों से बनी है, जो बहुत ज्यादा गर्मी सोख सकता है, यानी ग्रेनाइट एक नेचुरल हीट सिंक की तरह काम करता है। मंदिर का ऊंचा गोपुराम, सही जगह पर बने कोर्टयार्ड और पानी की मौजूदगी, ये सब मिलकर तापमान और हवा के बहाव को कंट्रोल करते हैं। ये सब मिलकर एक नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम बनाते हैं, जो ठंडी हवा अंदर खींचता है और गर्म हवा बाहर निकालता है, जिससे मंदिर के अंदर का तापमान सही रहता है। सेक्शन 5, हर पत्थर में विज्ञान, ठंडक के तरीकों को समझना। पत्थरों की संरचना और उनकी विशेषताएं उन्हें ठंडा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लक्ष्मी वेंकटेश्वर टेम्पल में जो ठंडक महसूस होती है, वो कई वैज्ञानिक सिद्धांतों का नतीजा है। ये सिद्धांत सदियों से चले आ रहे हैं और आज भी उतने ही प्रभावी हैं। थर्मल मास एंड हीट, ट्रांसफर ग्रेनाइट की नींव दिन में गर्मी सोख लेती है, जिससे वो अंदर नहीं जा पाती। ये प्रक्रिया दिन के समय मंदिर को ठंडा बनाए रखती है। रात को जब तापमान कम होता है, तो जमा गर्मी धीरे धीरे निकलती है, जिससे मंदिर के अंदर का तापमान नॉर्मल रहता है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया मंदिर के अंदर के वातावरण को संतुलित रखती है। स्टैक इफेक्ट, मंदिर की ऊंची छत और खिड़कियां एक स्टैक इफेक्ट बनाती हैं। यह प्रभाव हवा के प्राकृतिक प्रवाह को नियंत्रित करता है। जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है, वो ऊपर के रास्ते से बाहर निकल जाती है और नीचे से ठंडी हवा अंदर आती है, जिससे फ्रेश एयर आती रहती है। ये प्रक्रिया मंदिर के अंदर की हवा को ताजगी देती है। इवेपोरेटिव कूलिंग, मंदिर परिसर में पानी के स्रोत जैसे तालाब और कुंड हवा को ठंडा करने में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया मंदिर के वातावरण को और भी सुखद बनाती है। जब पानी भाप बनता है, तो अपने आसपास की हवा से गर्मी सोख लेता है, जिससे तापमान कम होता है
और ठंडक मिलती है। ये प्रक्रिया न केवल ठंडक प्रदान करती है बल्कि हवा की गुणवत्ता को भी सुधारती है। ये सिद्धांत जो मंदिर के डिजाइन में शामिल है विजयनगर के वास्तुकारों की वैज्ञानिक समझ को दर्शाते हैं, जो कुदरत के नियमों का इस्तेमाल करके एक आरामदायक जगह बनाने में कामयाब हुए। इन सिद्धांतों का उपयोग आज भी आधुनिक वास्तुकला में किया जा सकता है, जिससे हम अपने भवनों को और भी अधिक ऊर्जा सक्षम बना सकते हैं।